कहने लगी अपनी मनमानी करती है, अपनी मर्जी से आती जाती है घर से बाहर, मुझसे इजाजत ही नहीं लेती। इतनी शिकायतें की हैं कि मैं और तुम्हारे भाई तो जमीन में ही गड़ गए थे शर्मिंदगी के मारे। अशर और अली से मैंने उन दोनों को बहुत कॉल्स की अम्मी, दोनों ने फोन नहीं पिक किया, ये कोई तरीका है क्या? अभी हमारा वक्त है, मैं नहीं चाहती कोई तीसरा हमें डिस्टर्ब करे। घर जाकर फोन सुन लीजिएगा जिसका। सजल, जिसका फोन होगा वो बाद में मुझसे पूछेगा ना, अभी हमारा टाइम है ना। ओके फाइन। हमाद को पता चला तो भाभी ये मेरे पैसे हैं, हमाद ने दिए थे, तो अब मेरी मर्जी में जहाँ भी खर्च करूँ। अच्छा किया जो तुमने हमाद को नहीं बताया। पता है माँ, हम ये जो माँ के लाडले बेटे होते हैं ना, ये अपनी माँ की बातों में आके अपनी बीवियों को सारी जिंदगी गुलाम बना के रखते हैं। हर बात मत बताया करो उसे। ठीक कह रही हैं भाभी। लीजिए बेगम साहिबा, गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू सो मच, मेरा बहुत दिल चाह रहा था। आपका दिल किसी चीज का चाहे और मैं वो ना करूं, ऐसा हो सकता? थैंक यू। अशर एक बात पूछूं? आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना, कभी बदलेंगे तो नहीं? बदल के जाऊंगा तो जाऊंगा कहां सचिन, मुड़ के आपके पास ही आऊंगा। अशर अच्छा सुने, वो मेरा फोन कहाँ है? ऑफिस से कोई मैसेजेस या कॉल्स ना आए? हाँ वो मैंने रात को चार्ज करके ना ड्रॉअर में रख दिया था। ड्रॉअर में रखा हुआ? ये नहीं। अलीजा और फरी की इतनी कॉल्स, सब ठीक तो है? क्या हुआ अशर, कोई फोन नहीं उठा रहा? फोन नहीं उठा रहे? आ जाओ हेरा जी। अम्मी, अम्मी ये ले पानी। शुक्रिया। माहम, आपकी शर्ट का कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ड्रेस है ये। जी हमाद लेके आए थे मेरे लिए। अच्छा, बहुत सूट कर रहा है आप पे, माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना अम्मी? हाँ। अरे ये किसने दिलाया आपको? ये जनाब ने मामू की जेब खाली करवाई है। मोहित, मना किया था ना आपको कि मामू से कोई भी चीज नहीं मांगनी आपने, फिर भी आपने इतनी सारी चीजें ले ली मामू से, क्यों? अरे क्यों मना कर रही हो बच्चे को, उसका एक ही भांजा है, क्यों ना उसके नाज उठाए। बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी, और ये तो मेरी जान है, इधर आओ। इसलिए आज हम कोई मीठा नहीं बनाएंगे, बल्कि मैं आइसक्रीम लेकर आया हूँ सबके लिए, हम वो खाएंगे और मोहित का फेवरेट केक। अरे और जो मैंने ट्राइफल बनाया वो
वो कौन खाएगा? कल खाने के। वो हम कल खा लेंगे। और आज हम सिर्फ मोहित का फेवरेट डिजर्ट वही वो खाएंगे। चलिए ठीक है, मैं इसको फ्रिज में रख कर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ साथ। अकेले क्या क्या करोगे? मेरी मानो तो जितना हो सके अपने शौहर को उसकी माँ और बहन से दूर रखो, वरना मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तो जानती हो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा तुम इस घर। अलीज़े, अज़रा को बोलो कि अम्मी का परहेजी वाला खाना तैयार कर दें। जी मैं कहती हूँ। किसका फोन है? अशर का फोन है। आप आराम करें, मैं बात करती हूँ। अम्मी कहाँ है आप? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ आपको, फोन ही नहीं उठा रही आप। और यही सवाल अगर हम तुमसे पूछें कि तुम कहाँ गायब हो कल से, तो तुम्हें कोई एहसास है? इस घर की कोई जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर? इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो अशर? आप वहां क्या कर रही हैं परी? अहम ये नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अहम ये है कि तुम यहाँ पर नहीं हो जब इस घर को और तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। क्या मतलब है? क्या हुआ अम्मी को? कहाँ है अम्मी? जिंदा है, लेकिन अगर कल मैं वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता हमारी माँ के साथ। लेकिन तुम्हें थोड़ी कोई एहसास है, तुम तो अपना फोन बंद करके सुकून से बैठे हुए हो। कितनी कॉल्स की हैं मैंने, तुम कोई कॉल बैक नहीं की। तुमने अपनी जिंदगी में मगन हो बस तुम। परी अम्मी से बात करवाएं मेरी, कहाँ है अम्मी? हेलो अशर। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है आपको? ये क्या कह रही है फरी? सब ने अकेला छोड़ दिया है मुझे। इतने बड़े घर में अगर मैं मर भी गई तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये अम्मी खुदा का वास्ता है, कैसी बात कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम बस अपनी जिंदगी में मगन रहो। हमारा क्या है? I'm sorry, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। कल मेरा फोन ऑफ हो गया, उसके बाद मुझे ध्यान नहीं रहा। मेरी बात सुनो अशर, तुम्हारा अगर फोन बंद हो गया था तो तुम्हारी बीवी को तो तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था। मैंने उसको मैसेज करके बताया था कि अम्मी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। जवाब दो। अम्मी, वैसे माहम मुझे बड़ी सुलझी हुई लड़की लगी। बाकी लड़कियों की तरह उसके बिल्कुल भी नखरे नहीं है। हाँ है तो। आपका ख्याल तो रख रही है ना अम्मी? खुदा का शुक्र है कि मेरे हाथ पैर अभी चल रहे हैं, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इसको रखो फ्रिज में सलाद को। अम्मी इधर देखें, आप कुछ छुपा रही है ना मुझसे? नहीं,
मैं क्या छुपाऊंगी? बस ये जो माहम की भाभी है ना, इसके अंदाज नहीं अच्छे लगते मुझे। अम्मी देखिए, आप लोगों को मुझसे ज्यादा समझती भी हैं, पहचानती भी हैं, तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि उनकी बातों को ना आप ज्यादा सीरियस मत लिया करें। मैं कहाँ लेती हूँ, लेकिन वो औरत अब उसका तो हर रोज ही आना जाना लग गया है। हाँ तो अम्मी क्या हो गया, किसी काम से आती होंगी वहां पे? काम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने देखा था कि माहम अपनी भाभी को कुछ पैसे दे रही थी। पता नहीं क्या चक्कर है। तो कि मैंने भी सोच लिया कि मैं इनके मामलात में नहीं बोलूंगी भाई। बड़े हैं, समझदार हैं, मेरे बोलने से ना सिर्फ घर का माहौल ही खराब होगा। हाँ ठीक कह रही हैं आप, और इस तरह ना दिलों में भी कुशीदगी पैदा हो जाती है। अच्छा अम्मी आप जाए ना, खाने के टेबल पे बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं तुम करो जल्दी से, मैं देखती हूँ। अच्छा भाई यही खड़ी रहे। क्या होशियार आपकी हो गई घर बात, क्या कह रहे हैं? बताएं अशर, सब ठीक है ना? क्यों कैसा चला आपने ऐसा? आप जानती थी ना कि अम्मी हॉस्पिटल में, बात हुई थी ना आपकी, बावजूद उसके आपने मुझे नहीं बताया। क्यों? इसलिए कि कहीं आपका डिनर ना खराब हो जाए? क्या कह रहे हैं आप? तुम जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सचल। मैं क्यों झूठ बोलूं, कि मुझे पता ही नहीं है। आपको किसने कहा है? मुझे नहीं पता है कि आंटी हॉस्पिटल में है। सजल आपका सच क्या और झूठ क्या है मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी अम्मी उस वक्त हॉस्पिटल में थी, जिंदगी की कश्मकश में थी, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया, आपने मेरा फोन बंद कर दिया। क्यों किया सजल आपने, ऐसा क्यों किया? मैं आपको कैसे बताती हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि आंटी हॉस्पिटल, मुझे कैसे पता चलता? आप कसम ले ले मुझसे। कसम जो भी खाते हैं उनका यकीन इंतहाई कमजोर होता है, कसम मत खाइए। तो फिर आप बेतबारी क्यों कर रहे हैं? फरी से आपकी बात हुई थी या नहीं हुई थी? फरी ने आपको बताया था या नहीं बताया था कि अम्मी इमरजेंसी में पड़ी है? कहिए। नहीं अशर, मुझे किसी का कोई मैसेज कोई फोन नहीं आया, मेरी किसी से बात नहीं, और अगर आया होता और मुझे पता होता कि आंटी की तबीयत खराब है तो आपसे क्यों छुपाती? आप इसलिए ना बताती कि कहीं आपकी और मेरी खुशियां फीकी ना पड़ जाए, कहीं मैं अपने घर वालों की अपनी अम्मी की फिक्र में आपको इग्नोर ना कर दूं, आप इसलिए ना बताती, इस खौफ से ना बताती। सच सर आप कैसी बातें करें, मैं आपके साथ रहती हूँ, क्या इतना भी आप मुझे नहीं जानते हैं, इतना भी नहीं समझ पाए आप मुझे? खाम ख्याली थी, यही खाम ख्याली थी कि मैं जानता हूँ आपको, नहीं जानता। अशर अशर मेरी आप खुद देख ले, कोई मैसेज नहीं है। अशर अशर देखिए, कोई मैसेज नहीं है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सचल मुझे। अशर मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी का कोई फोन मैसेज नहीं आया है, अगर आया होता तो कैसे छुपाती, क्यों ना बताती आपको? और आपको पता है फरीन भाजी को झूठ बोलने की आदत। हाँ बोलती है फरी, आप ही झूठ बोलती है, झूठ। अम्मी तो झूठ नहीं बोलती ना, अम्मी की जो आवाज मैंने सुनी है ना सचल, मेरा दिल फट गया है। अच्छा सर आप बैठ जाए, आप बैठ कर मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ, मुझे आप खुद देख ले, देखिए आप कोई मैसेज नहीं चेक करना कुछ भी मुझे, आपकी सच्चाई आपके झूठ में देख ली है मैंने, अब बस। सर मैं कह तो नहीं हूँ कि सच बोल रहे हो सर,
सब कुछ इतना अच्छा हो गया ना हिरा की तरफ। बेटे मुझे जरा पानी का एक ग्लास तो ला दो। जी। हिरा ने कुछ ज्यादा ही डिशेस बना दी थी आज, लेकिन सब बहुत मजेदार थी भाई। हाँ, हमेशा से हमारी हीरा बड़ी सुघड़ और फुर्तीली रही है इस मामले में। बातों में भी कम नहीं है। क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना अगले हफ्ते हम लोग उनको दावत दें। इसी बहाने आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी बहू को क्या क्या बनाना आता है, वरना आप सिखा दीजिएगा इसको। नहीं नहीं, इससे बहुत कुछ बनाना आता होगा। क्यों माम? आता तो है, लेकिन आप जितना नहीं। चलो अगर नहीं भी आता तो अम्मी से सीख लेना, अम्मी के हाथों में बहुत जायका है। अरे बेटे, इनसे तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ जो सिर्फ यही सिखा सकते हैं। ऐसा क्या सीख लिया तुमने? बताऊंगी, आखिर आपको भी तो पता चले। क्यों आंटी? अच्छा चलो, एक काम करो, कंफर्टेबल हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो, और एक कप चाय, अगर आप पियेंगी चाय? नहीं नहीं बेटे। चलो मेरे लिए जा रहे, एक कप चाय ले आओ जरा। अम्मी थोड़ा सा और पी ले। अम्मी बस हम जा रहे हैं, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने अलीजे को सब चीज़ें समझा दी हैं, ये आपके साथ ही सोएगी। कोई भी काम खुद मत कीजिएगा, ये हर वक्त आपके साथ रहेगी, और मैं आपको ना कॉल करती रहूँगी, ठीक है? तो जा रही है। जी अम्मी, समीर का कल शूट भी है, आज भी शूट था। जी आंटी, और इस तरह शूट के बीच में से निकल कर आना वो काफी मुश्किल हो जाता है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे इस मुश्किल वक्त में तुम दोनों मेरे साथ थे, मेरा ख्याल रखा। नहीं अम्मी, क्या हो गया आपको? मैं आपकी बेटी हूँ, ये आपका दामाद है, हम कोई अजनबी थोड़ी हैं। हम आपके लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फरीन बिल्कुल ठीक कह रही है, इन हालात में अपने ही तो काम आते हैं। शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छे हो। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि तुम वाकई बहुत अच्छे बच्चे हो। जो अपने थे वो तो मुंह फेर के अपनी जिंदगी में मगन है, लेकिन तुमने बेटे होने का सबूत दिया है। अम्मी मैं आपके साथ हूँ, समीर आपके साथ है, अलीजे है यहाँ पर, आप क्यों परेशान होती हैं? आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं थोड़ी खुद से सोच रही हूँ ये सब कुछ, जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद तो मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया है, कहीं दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए। अम्मी आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? मैं हूं ना हमेशा आपके साथ। वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हर लम्हा आपके साथ रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जॉब क्यों ना छोड़नी पड़े। कैसी बातें कर रही हो तुम अलीजे? तुम्हें इतना शौक था जॉब करने का, अब इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है तो तुम रिजाइन कर दोगी? जॉब अम्मी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और आज जो कुछ भी हुआ है ना उसके बाद मैं नौकरी करने का सोच भी नहीं सकती।
अच्छा ये बातें हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। अम्मी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अभी आप ये सूप ख़त्म करें, ठीक है? बस हम निकलते हैं फिर। फरीद तू यहीं रुक जा, तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे, बस यहीं रुक जाओ। नहीं अम्मी। नहीं आंटी, वो सुबह मेरा काफ़ी अर्ली कॉल टाइम है, 7 बजे का, तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो यहाँ से चले जाना ना शूट पे। अगर मगर कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया ना तुम दोनों यही रहोगे। अली से जाओ, जाके फरीन का कपड़ा खोल दो। अम्मी अगर इन लोगों को प्रॉब्लम है तो जाने देना, मैं हूं ना आपके साथ। नहीं नहीं बस अब मैंने किसी की कोई बात नहीं सुननी, तुम दोनों यही रुकोगे, ठीक है? जाके इनका कमरा खोलो और देख लेना कि किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। आपने वाकई सचल भाभी को मैसेज किया था? तुम चाहो तो मेरा फोन भी चेक कर सकती हो। बहुत अफसोस की बात है, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम मुझे इतना गलत कैसे समझ सकती हो? बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही। तुम्हारा अगर फोन बंद हो गया था तो तुम्हारी बीवी को तो तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था। मैंने उसको मैसेज करके बताया था कि अम्मी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही हैं। जब ने अकेला छोड़ दिया है मुझे इतने बड़े घर में, अगर मैं मर भी गई तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए ना बताती कि कहीं आपकी और मेरी खुशियां फीकी ना पड़ जाए, कहीं मैं अपने घर वालों की, अपनी अम्मी की फिक्र में आपको इग्नोर ना कर दूं। यही खाम ख्याली थी कि मैं जानता हूं आपको, नहीं जानता। अम्मी तो झूठ नहीं बोलती ना। अम्मी की जो आवाज मैंने सुनी है ना सज्जल, मेरा दिल फट गया है। नहीं चेक करना कुछ भी मुझे, आपकी सच्चाई आपके झूठ में देख ली है मैंने। अब बस कैसी बेबसी है कि मैं अपनी मां के लिए कुछ नहीं कर पा। देश में रहने वालों की जिंदगी की आजमाइशें खत्म क्यों नहीं होती? हर बार उन्हें अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए आग के दरियों से गुजरना ही पड़ता। क्यों? और इस सब के बावजूद भी आखिर में हार ही मुकद्दर ठहरता।
अम्मी को भी पता नहीं क्या हो गया है। क्या जरूरत थी समीर को घर पे रखने की? अशर भाई तो फरीन आपी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कहां ये समीर? क्या कर रही हो लीजे? चाय बना रही हो? प्लीज मेरे लिए भी एक कप बना देना। कॉफी बना रही हूँ अपने लिए। इस टाइम पर कॉफी कौन पीता है? खैर मेरे लिए चाय बना देना। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने क्या किया? आपने जब सजल भाभी को मैसेज नहीं किया था तो फिर भाई से झूठ क्यों कहा? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने झूठ बोला है? जब अम्मी की तबीयत खराब हुई थी ना, तुम उस वक्त ऑफिस में मसरूफ थी, सिर्फ मैं अम्मी के पास थी, और जो हालत मैंने अम्मी की देखी है ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें मैं कॉल करती रही, अशर को मैं कॉल करती रही, किसी ने मेरी कॉल पिक नहीं की। फिर मुझे मजबूरन उस सज्जल को मैसेज करना पड़ा, और उसने वही किया जो भाभियां करती हैं अक्सर, नहीं बताया भाई को। क्या आपने वाकई सज्जल भाभी को मैसेज किया था? वैसे अलीज़े, तुम चाहो तो मेरा फोन भी चेक कर सकती हो। बहुत अफसोस की बात है, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम मुझे इतना गलत कैसे समझ सकती हो? तुम अपने शक का दायरा घुमा कर देखो ना, तो तुम्हें और भी लोग नजर आएंगे जो तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले तुम्हारी अपनी भाभी है, जिसको तुम बहुत नेक और फरिश्ता समझती हो ना, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आज के वाक्य के बाद तो तुम्हें ये बात साबित हो ही जानी चाहिए। अलीज़े, वो बहुत चालाक औरत है। वो जैसे बाहर से मासूम दिखती है ना, वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अगर वो इतनी अच्छी होती तो रुक जाती ना तुम्हारे पास और अम्मी के पास। क्यों नहीं रुकी वो? मैं तो बस अपनी सगी बहन ही गलत नजर आती है। खैर, मेरे लिए चाय बना देना और समीर के लिए भी एक कप बना देना, मैं ऊपर जा रही हूं। समझ भी नहीं सकते हो, ये कमरा, ये घर, ये माहौल, ये सब मैंने कितना मिस किया है। इधर आओ ना, बैठो। समीर, तुम्हें पता है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन बाद खुलकर मुझे सांस लेने का मौका मिला है। वरना उस घर में तो अजीब घुटन ज्यादा मौ क्या हो? रुक क्यों गई? कह दो कि मैंने तुम्हें घुटन में रखा हुआ था, तुम्हारे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था, तुम्हें उस रुकने में नाकाम रहा मैं। कह दो फरीन। नहीं 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 समीर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है फरीन, सही बात है, वरना तुम इस तरह मुझे जता नहीं रही होती कि तुम खुश नहीं थी वहां मेरे साथ, और यहां आने पर तोल नहीं रही होती। समीर, तुम हमेशा गलत ही क्यों समझते हो? कभी सही भी सोच लिया करो। इसमें गलत क्या समझना? सब कुछ साफ तो है, जो कुछ भी तुम कह रही हो। अच्छा, एक मिनट को अगर हम सोच भी लेते हैं कि ये बात सही है, तो तुम एक बात बताओ,
उस घर में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम भी परेशान थे। कभी ये मसला, कभी वो मसला, कभी मालिक मकान से झगड़ा, हर वक्त कुछ ना कुछ चल ही रहा होता था वहां। और समीर, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। मेरे लिए? हाँ, जाहिर सी बात है समीर, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती, वरना मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि वो छोटा सा फ्लैट तो क्या, तुम्हारे लिए तो मैं किसी झोपड़े में भी रहने को तैयार हूँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? फरीन, अगर यकीन नहीं होता ना तो यहाँ इस तरह तुम्हारे साथ ना होता। लेकिन क्या फायदा, वैसे भी ये सब कुछ आरजी है। जब अशर को पता चलेगा तो वो हमें यहां रहने थोड़ी देगा। अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता, बस तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूं। सॉरी सर, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती, मेरे घर में कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। मिस अलीज़ा, अगर आपको छुट्टी करनी थी तो मुझे कल इन्फॉर्म कर देती। आपको पता है कि इस तरह छुट्टियां करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत वर्कलोड है ऑफिस में। सर, मैं कोई शौक से ये छुट्टी नहीं कर रही, मेरी मदर की तबीयत वाकई ठीक नहीं है। क्या आपके ऑफिस में छुट्टी सिर्फ तभी मिल सकती है जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो? आप लोगों के लिए आपका काम इंसान से बढ़कर है। मुझे अंदाजा नहीं था, आई एम रियली सॉरी। चले, आप अपनी मदर का ख्याल रखें, लेकिन हो सके तो मुझे मीटिंग की डिटेल्स भेज दें, वो जरूरी है। थैंक यू। क्या हुआ? मैं सलीजे और उनके बहाने। अब क्या हो गया? छुट्टी करना चाहती हैं। सलमान, मुझे नहीं समझ में आता कि जिन लोगों के इतने मसाइल होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती है, वो जॉब करते ही क्यों है? उमर, मसले तो किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? हाँ, लेकिन काम को भी तो सीरियस लेना चाहिए ना, क्या काम की कोई अहमियत नहीं है? अब देखो ना, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसकी डिटेल्स नहीं भेजी जबकि वो घर से भेजी जा सकती थी। डिटेल्स की तुम टेंशन ना लो, मैं उनसे मंगवा के तुमसे जल्दी शेयर कर दूंगा। और रही बात काम की, काम करना अच्छी बात है, मगर काम को इस तरह से सर पे सवार कर लेना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि तुम्हें इस वक्त एक अच्छी सी कॉफी की जरूरत है, तो जाओ रिलैक्स कर। ओके। तैयार नहीं हुई हो, दफ्तर नहीं जा रही हो क्या? आज ऑफ किया है मैंने, आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? क्या खाएंगी आप? अरे, तुम्हें छुट्टी करने की क्या जरूरत थी? मैं हूं ना अम्मी का ख्याल रखने के लिए यहाँ। लेकिन आपको अपना घर भी तो देखना होता है ना, यहाँ पर आखिर कब तक रुक सकती हैं आप? क्यों नहीं रुक सकती मैं, हटो यहाँ से। मुझे अपनी माँ की खिदमत करने का मौका मिला, वैसे भी मेरे दिल में बहुत गिल्ट है मेरे रवैये की वजह से। अब अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तो मैं चीजें बेहतर करना चाहती हूँ। अम्मी, मैंने समीर से भी बात कर ली है, समीर ने कहा है कि वो डेली काम पे जाने से पहले मुझे यहाँ ड्रॉप कर देगा और वापसी में जब रात में वो निकलेगा काम से तो मुझे यहाँ से पिक कर लेगा।
अम्मी, मैं बस आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना कि अगर मैं यहाँ पे रुकूं? नहीं बेटा, मुझे क्यों एतराज होगा? ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम रह सकती हो यहाँ पे। समीर चला गया क्या? जी, वो उसको जल्दी जाना था असल में काम पर, तो अल्लाह कामयाबी दे उसे। रात में जो खाना है बता देना, बनवा दूंगी मैं। नहीं नहीं अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं बना दूंगी। बल्कि अगर आपको कुछ खाना है ना तो आप मुझे बताइएगा। अम्मी, अशर भाई को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। रहने दो तो तुम अपने भाई को, अगर उसे इतना ख्याल होता ना माँ का, तो बीवी का हाथ पकड़ता और फौरन पहुंचता यहाँ पे। एक फोन किया उसने मेरी तबीयत पूछने के लिए। अम्मी, वैसे अलीजे ठीक कह रही है, अगर अशर नहीं चाहता तो मैं नहीं रुकूंगी। अरे पागल हो गई हो बेटा, क्यों नहीं रुक सकती? बेटी हो तुम मेरी। और रही बात अशर की, तो मैं उससे बात कर लूंगी। और अलीजे, तुम भी कल से ना अपने दफ्तर जाओ, यहाँ फरीन है ना मेरे पास, ये ख्याल रखेगी मेरा। लिया फोन चेक, कोई मैसेज मिला? देख लें एक बार कि कहीं डिलीट तो नहीं कर दिया मैंने। अच्छा, क्यों मुझे हर बार अपने सच की गवाही देनी पड़ती है? इतना तो यकीन कर सकते हैं ना मुझ पर? क्यों बेएतबारी कर रहे हैं? आपकी बेएतबारी मुझे मेरी नजरों में बेमायने कर देती है। क्यों लोगों के झूठ की सजा मुझे मिलती है, मुझे सफाइयां पेश करनी पड़ती है हर बार? सच प्लीज रहने दे आशा।